Bluetooth mode. Paired. आज किस वीडियो में आपको काफी शानदार सा एक मिनी डीजे बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो उसको बनाने के लिए हमने ले लिया है एक टिन कनस्तर और हमें कोई भी एक साइड पकड़ के इसको क्या करना है कि कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस पे हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करके और इसको कटिंग कर लेंगे। और इसके साथ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो चुका है तो उसको भी हम कपड़े की मदद से साफ कर लेते हैं। इसके साथ ले लेंगे एक पीस प्लाई और जो इस प्लाई का साइज है वो है इस टीन के साइज का ये प्लाई है। वो इसके साथ इस जो टीन है टीन में क्या करना है कि दो पीस लकड़ी का पट्टी लेकर के और दोनों साइड सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। और ले लेंगे थ्री पीस स्पीकर। तो ये दोनों स्पीकर है 240 वाट और 4Q का ये स्पीकर है दोनों। और ये केवल स्पीकर है और ये है यहाँ पे सब ऊपर जो कि ये बेस देगा। और जो प्लाई है इसको ले लेना है और इसके आगे साइड में 3 पीस मार्किंग कर लेना है। तो इन तीनों को हम कटिंग कर लेते हैं। इसके साथ ले लेंगे एक पीस प्लाई और जो इसका साइज है ये है 16 सेंटीमीटर और ये 23 सेंटीमीटर। लेंगे एक पीस ट्रांसफार्मर और ये 12012 डेढ़ एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है और इसको इस पे लगा करके और स्क्रू की मदद से टाइट कर ले लेंगे। एक पीस 4440 IC बोर्ड का नंबर है CD300 USB 4440 IC ये बोर्ड है। और ले लेंगे 3 पीस पोटेंशियम तो जो इसका नंबर है ये है B47K और ये है यहाँ पे ये भी B47K। तो ये दोनों बेस ट्रेबल में लगेंगे। और ये है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए हम यूज करें B100K का। और ये 6 पिन यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर तो इसका कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम ट्रेबल का कनेक्शन कर इसके साथ इसका हमने कनेक्शन कर दिया है जो ट्रेबल का है। और इसमें से जिस तरीके से वायर आया है उसी तरीके से लेना है और यहाँ पे रेड जोड़ देना है बीच में येल्लो और साइड में ग्रीन और इस तरह के नीचे साइड में रेड येल्लो ग्रीन। दोनों बेस वाले वायर हैं उसको ले लेंगे और इसमें पहला रेड येल्लो ग्रीन इस तरीके के नीचे साइड में रेड येल्लो ग्रीन जोड़ देंगे। इसके साथ वॉल्यूम कनेक्शन करेंगे तो वॉल्यूम कनेक्शन करने के लिए इसको हम उल्टा साइड में इस तरीके से कर देंगे तो आपको पीछे साइड में 2 पीस वायर दिख जाएंगे जो कि यहाँ पे IC से थोड़ी सी नीचे साइड में ये लगे हैं दोनों वायर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लगा है, यहाँ पे लिखा है V और ये यहाँ पे A है येल्लो में और ये है ब्लैक और यहाँ पे येल्लो में A लिखा है। तो और इसके साथ यही है 6 पीस वायर आपको दिख जाएंगे रेड येल्लो ब्लैक। तो जो इसका कनेक्शन है उसको कैसे करना है कि जो दोनों रेड वायर हैं यहाँ के भी इसको राइट साइड से फर्स्ट टर्मिनल पे नीचे साइड में दोनों में जोड़ देंगे और जो येलो वायर है इसको बीच वाले पे दोनों पे जोड़ देंगे और जो तीसरा टर्मिनल है इसमें हम जोड़ेंगे जो ये ब्लैक वाले वायर है इसको ऊपर नीचे जोड़ देंगे। तो वॉल्यूम कनेक्शन हो चुका है और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक पॉइंट का 3 वायर है वो ऊपर साइड में होना चाहिए और जो एक पॉइंट का 3 वायर है उसको नीचे साइड में। साथ ले लेंगे एक ब्लूटूथ कार्ड और इसमें आपको USB मिल जाएगा और आप यहाँ पे मेमोरी ला के चला सकते हैं। और ये है वॉल्यूम माइनस का और ये है वॉल्यूम प्लस का आवाज़ के लिए और ये है मोड जैसे कि आप ऑक्स केबल वाईफाई और यहाँ पे ब्लूटूथ से चला सकते हैं। और इसके पीछे साइड में यहाँ पे आपको वायर दिख जाएंगे जो कि एक में 4 वायर दिखेंगे तो ये रेड वाला एंटीना है इसका यूज नहीं करना है। और यहाँ पे बीच में 3 पीस वायर दिख जाएंगे तो इसमें एक होता है यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट और ये बीच ग्राउंड। तो और ये है 5 वोल्ट कनेक्शन तो ये है ग्राउंड माइनस ये 5 वोल्ट प्लस। और जो एम्पलीफायर बोर्ड में है इसमें आपको वायर यहाँ पे दिख जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ग्राउंड GND लिखा है और यहाँ पे इनपुट लिखा है और यहाँ पे भी इनपुट लिखा है। तो ये रेड वाला वायर है ये है राइट और जो ये येल्लो है ये है लेफ्ट और ये है ग्राउंड जो है ये है ब्लैक जो कि बीच में माइनस का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वायर है इसके ऊपर साइड में हम इसको बाहर साइड में निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा भी है और इसी के सहारे आपको इसमें
इस तरीके से जोड़ना है। तो गाइस वायर का कलर जो है इधर उधर भी आपके मदरबोर्ड में हो सकता है, आपको वायर को ध्यान में नहीं रखना है, आपको जो लिखा है उस पे ध्यान पे रखना है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। रेड वाला है येलो, लेफ्ट और ग्रीन ग्राउंड। इसके बाद ब्लूटूथ कार्ड के 5 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। तो इस पे लिखा है यहाँ पे 5 वोल्ट और एक है ग्राउंड, जो कि ये ग्राउंड माइनस है, 5 वोल्ट प्लस है। फायर बोर्ड में है, इसमें आपको 7805 IC के आगे साइड में एक पीस कैपेसिटर दिख जाएगा, जिसमें कि एक साइड माइनस का साइन दिया हुआ है, जो कि ये नेगेटिव है, और एक साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये प्लस है। तो इसी तरीके से इसी कैपेसिटर पे वायर जुड़ा हुआ है, जो कि माइनस पॉइंट पे कैपेसिटर के माइनस वायर जुड़ा हुआ है, और प्लस पे प्लस का देते हैं, माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में। तो इतना तक कनेक्शन हो चुका है। इसके साथ जो इसमें कनेक्शन बचा है वो है 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए, और स्पीकर के लिए 2 पीस वायर बचा हुआ है, तो उसको जो हम बॉडी में सेट कर लेंगे तो उसको भी लगा देंगे। इसके साथ इसको हमने कटिंग कर दिया है राउंड से सर्कल में, और इसको घिस के फिनिशिंग भी कर दिया है, और ऊपर साइड में हमने ब्लूटूथ कार्ड के लिए कटिंग किया है, और साइड में बेस ट्रेबल के लिए कटिंग किया है, और बीच में वॉल्यूम के लिए, और इस पे हमने ब्लैक कलर कर दिया है। इसके साथ जो स्पीकर है इसको हम इसमें लगा करके सेट कर देंगे। वो जो हम स्पीकर ऊपर साइड से लगा रहे थे, अब हम इसको अंदर साइड से लगाएंगे। तो इसको हम रख करके और इस पे कस लेते हैं स्क्रू की मदद से। इसके साथ जो ये ब्लूटूथ कार्ड है उसको भी लगा करके इसमें टाइट कर देंगे, और जो पोटेंशियोमीटर है उन तीनों को भी इसमें लगा के कस देंगे। इसके साथ इसके पीछे साइड में जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया थ्रू वाली प्लाई पे, उसको भी हमने यहाँ पे बीचों बीच में लगा करके और किल की मदद से इसको ठोक दिया है। फायर बोर्ड इसको ले लेंगे, और इसमें हमें ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करना है। इसमें हमें 4 पीस डायोड लगाना पड़ेगा, तो 1 पीस डायोड पहले से ही है, और जो इसका नंबर है ये है 5402, तो ये डायोड हमारे पास नहीं है, तो हम इसके जगह यूज करने वाले हैं 5408 5408, ये डायोड है। और इसको क्या करेंगे कि हम इस तरीके से लगाएंगे, तो ये इस साइड में सिल्वर पट्टी होगा तीनों में, और इस साइड ब्लैक। ट्रांसफार्मर कनेक्शन करेंगे मदरबोर्ड में, तो इसमें करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का 12-0 वाला वायर है उसको ले लेंगे। आप किधर से भी 12-0 का वायर यूज कर सकते हैं। तो जो 0 वाला है, जो पहले से डायोड था एक, उसके अंदर साइड में एक और जो डायोड हमने लगाया है इसके ब्लैक पट्टी पे, और जो 12 वाला वायर है उसको हम जो डायोड पहले से लगा हुआ था इसके ब्लैक पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो हम स्पीकर कनेक्शन करेंगे, तो स्पीकर कनेक्शन करने के लिए जो कार्ड है इसमें 2 वायर दिया हुआ है, तो 2 स्पीकर को हम एक में जोड़ करके एक में जोड़ देंगे, और एक को सिंगल यहाँ पे बेस में जोड़ देंगे। इसके साथ ले लेंगे 1 पीस केबल, और इसमें प्लग लगा हुआ है, और इसके ट्रांसफार्मर का AC पॉइंट पे जोड़ देंगे, जिस साइड में रेड वायर है। इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है, और इसके साथ इसके आगे साइड में हमने क्या किया है कि यहाँ पे 2 पीस कंपोनेंट और अधिक जोड़ा है। यहाँ पे एक हमने जोड़ दिया है यहाँ पे माइक के लिए एक सॉकेट, और एक हमने लगाया है यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच, जिससे कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, तो इससे ये ऑन ऑफ होगा मेन 220 वोल्ट पावर सप्लाई। और यहाँ पे 12 वोल्ट का बनाना जैक लगा दिया है, जिससे कि यहाँ से हम 12 वोल्ट देकर चला भी सकते हैं, और 12 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इतना ही इसका कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। इसके साथ जो टिन का ऊपर वाला कवर है उसको ले लेंगे, और 1 पीस ले लेंगे इस तरीके का, और लेंगे 2 पीस कब्जा, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, और जो बड़ा वाला टीन है उसको ले करके इसमें जो कब्जा का एक पार्ट है उसको इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से कुछ लगा करके इसको हम कर, और जो टीन है इसके नीचे साइड में हमें व्हील लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसको हम यहाँ पे डगरा सकें, इसको चला सकें। तो उसके लिए 2 पीस लकड़ी ले लेंगे, और ले लेंगे 4 पीस व्हील, और इसमें 2 होल दिया हुआ है, तो इसको स्क्रू से हम टाइट करके चारों व्हील को सेट कर लेते हैं। तो दोनों व्हील को हमने सेट कर दिया प्लाई पे, अब इसको हम टीन में कस लेंगे, और एक पीस इसके पीछे साइड में फोम लगा देंगे, जिससे कि जो स्पीकर का एयर है पीछे साइड में जाएगा, जो टीन है वो आवाज़ नहीं करेगा। इसके साथ जो स्पीकर वाली प्लाई है उसको हम टीन में सेट कर देंगे। तो इसको तो हमने सेट कर दिया है स्पीकर को, इसके अंदर यहाँ पे अच्छे तरीके से गेट भी ओपन हो रहा है। अब हमें जो इसके टीन के ऊपर साइड में होल दिया हुआ है यहाँ पे एक पाइप लगा करके, और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। तो हमने इसके ऊपर साइड में यहाँ पे एक स्पीकर में का पार्टीशन चिपका लिया है, और जो पूरे टीन है इस पे हम कलर
कर लेंगे। इस पे गाइज हमने कलर कर दिया है जो कि ऑरेंज, और आगे साइड में प्लाई पे जो ब्लैक था उसको हमने व्हाइट कलर से पेंट कर दिया है, और ये पेंट भी जो अच्छे तरीके से सूख चुका है और ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके साथ टेस्टिंग करने के लिए आपको जो कंपोनेंट है वो उसके बारे में हम बता देते हैं। तो एक हमने लगाया है माइक, जो कि आप माइक यहाँ पे कनेक्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। और इसमें चार पीस पोटेंशियोमीटर लगा है, जैसे कि वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल और बैलेंस के लिए है। और जो ब्लूटूथ कार्ड है इसमें आपको यूएसबी मेमोरी कार्ड मिल जाएगा और वॉल्यूम मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑक्स केबल जैसे कि आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। और नीचे साइड में आपको आउटपुट के लिए 12 वोल्ट का फीमेल जैक मिल जाएगा, और इनपुट के लिए भी आप यहाँ से भी चला सकते हैं इसको, और आउटपुट भी पावर ले सकते हैं। और डोर के लिए यहाँ पे हमने दो पीस मैग्नेट चिपका दिया है, जिससे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इसमें लॉक हो सके, और ये लॉक हो चुका है। और इतना गैपिंग रहेगा इसमें, नहीं तो ये डोर अच्छे तरीके से ओपन नहीं होगा। और यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और जो व्हील है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है आप देखें, और वर्क भी कर रहा है, जिससे कि आप इसे कहीं भी अपने हिसाब से लेकर जा सकते हैं चला करके। तो चलिए पहले हम इसको पावर देते हैं। तो ये रहा इसका पीछे का प्लग, और इसको हम यहाँ पे बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। हमने ऑन कर दिया है, और इसके साथ यहाँ से जो स्विच है इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो हमने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे ये ब्लूटूथ मोड बोल चुका है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। FM mode, AUX mode, Bluetooth mode. तो देख सकते हैं कि कुछ इतना सारा इसमें मोड है, और इसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए जो फोन का ब्लूटूथ है उसको हमें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। Cleared. तो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है, और इसके साथ हम सॉन्ग इसमें प्ले कर लेते हैं। तो गाइस सॉन्ग प्ले हो चुका है। गाइस ये मेरे डीजे काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।